guys, this is Harshita. Welcome or welcome back to my channel. How are you guys doing? Hope you're doing really, really great. पहली बार मैंने ट्राईपॉड सेटअप किया और अब मैं इतना अच्छा सा फील कर रही हूँ ना ये ट्राईपॉड सेटअप करके. दिस वीडियो इज द मोस्ट अवेटेड वन. इट्स केदारनाथ स्टोरी एंड माई हाउसमेट्स आर नॉट होम. सो इट्स द आज मैंने इस वीडियो के लिए इतना प्लानिंग किया ना कि मतलब आज मैंने सोचा था मैं घर की सफाई करूंगी एंड देन ये करूंगी वो करूंगी. फिर मैंने सोचा यार अभी हाउसमेट्स घर पे नहीं है तो आई शुड जस्ट फिनिश दिस व्लॉग एज सून एज पॉसिबल क्योंकि भाई इतने टाइम से मुझे वो टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं वो करूँ. सो द स्टोरी अब मैं ज्यादा डिले नहीं करूंगी, जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ. सो बात ये थी कि सिर्फ और सिर्फ मैं इंडिया इसलिए गई थी क्योंकि मेरे को केदारनाथ जाना था. देयर वॉज नो अदर रीजन. आई वॉज लिटरली क्राइंग बिफोर गोइंग कि मतलब मेरे को जाना ही नहीं है. और वहाँ जाने के बाद मेरा परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया और वहाँ जाने के बाद मेरे को इतना मज़ा आया कि मैं बता नहीं सकती. हाँ सो ये सब बाद में. तो हुआ क्या, एक दिन रात को मतलब मेरी ना डेली हैबिट है कि मैं पूजा करती हूँ. ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि ना करूँ, वो भी मतलब किसी रीज़न की वजह से कि बाहर गई हूँ या ऐसे ऐसे. बट हाँ तो मैं रोज पूजा करती हूँ. तो एक दिन मैं पूजा कर रही थी और मेरे को उस टाइम ना मैं 16 मंडेज के फास्ट भी रख रही थी. तो मेरे फास्ट मतलब शायद 2-3 बज रहे थे उस टाइम. हाँ तो उसके बाद मेरे को ऐसे ही मैं पूजा कर रही थी. मेरे को हुआ कि यार हर्षिता केदारनाथ, क्योंकि मेरे को ना जब मैं कैनेडा आई थी उससे आने से पहले ही मेरे को ये था कि मेरे को हर्षिता कनाडा जाएगी जब केदारनाथ होके आएगी. बट उस टाइम हो नहीं पाया. मेरा बुला कहते हैं ना कि जिसका बुलावा नहीं आया होता वो नहीं जा सकता है. तो उस टाइम नहीं जा पाई थी. एंड देन फिर मेरे को ऐसे ही हुआ यार हर्षिता केदारनाथ चलते हैं, टिकट बुक करते हैं. ना मैंने कुछ अपना बजट कैलकुलेट किया है, ना कुछ भी नहीं. और मैंने सोचा केदारनाथ चलते हैं. लेकिन ऐसा ना मेरे साथ पहले भी पास्ट में हुआ था कि यार एक बार इंडिया जाके आते हैं, केदारनाथ जाके आते हैं. लेकिन फिर वो हमेशा, एक तो केदारनाथ गर्मियों में खुला होता है और भाई इंडिया की गर्मी, ओ माय गॉड. और यहाँ पे रहने के बाद तो गर्मी से इतना ज़्यादा वो हो गया है कि इंडिया की गर्मी तो कैसे ही झेली जाएगी. बट हाँ फिर मैंने सोचा अगर ये फीलिंग जो मेरे को आ रही है कि मेरे को केदारनाथ जाना चाहिए, एक हफ्ते तक नहीं गई देन वी विल थिंक अबाउट इट. मैंने उससे पहले भी मेरे को जब ऐसा हुआ तो मैंने पापा को कहा था. पापा ने कहा हाँ देख ले जो तेरा भी मन है. तो फिर से एक हफ्ता हो गया भाई, मैंने फिर भी अपने आप को टाइम दिया, 2 हफ्ते हो गए और भाई वो फीलिंग जा ही नहीं रही थी. तो उससे पहले तो मेरे को अपना TRV मेरे को अपना वो करना था. तो फिर मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि अब जब तक TRV आ नहीं जाता है स्टैम्प होके तब तक तू टिकट्स वगैरह बुक मत करियो क्योंकि क्या पता कितना टाइम लग जाए उसको आने में. तो मैंने तब तक भी, 1 महीना निकल गया और मेरा जा ही नहीं रहा था कि दिमाग से कि भाई मुझे नहीं जाना है. मुझे था कि मतलब मुझे जाना है. मेरे सेंटेंस थोड़े ऐसे ऐसे हो जाते हैं, तुम समझ जाओ. तो मेरे को था कि भाई मुझे जाना ही है. 1 महीना निकल गया. फिर मैंने अपना बजट कैलकुलेट करने की कोशिश की. उस 1 महीना मैंने दम लगा के काम किया है. 60-60 घंटे मैं घर आ रही हूँ. और मेरा काम कैसे होता है कि ओवर टाइम भी कर रहे हो तुम 13-13, 14-14 घंटे. बट काम एक तरह से ऐसा भी होता है कि किसी किसी दिन तुम्हारा बहुत हेक्टिक काम है, किसी किसी दिन तुम पूरा दिन बैठे भी हो. तो इट्स नॉट अ बिग डील बट इट्स अ बिग डील. हाँ तो फिर मतलब ऐसे घर पे आ रही हूँ, सो रही हूँ, फिर वापस काम पे जा रही हूँ. ऐसे 1 महीना लगा के दम लगा के काम किया एंड देन मैंने अपनी टिकट्स बुक कर ली. और कुछ भी ऐसा सरप्राइज ट्रिप नहीं था, मैंने सबको बता दिया. मेरे पेट में ना कुछ नहीं पचता है, जो मेरे मन में होता है वो मैं सबको बता देती हूँ. एक तो मतलब बिल्कुल भी मेरे पेट में सरप्राइजेस नहीं पचते हैं. जो मैं एटली अपने भाई के लिए, मम्मी के लिए और फैमिली वालों के लिए गिफ्ट्स लेके जाने वाली थी ना, वो तक मैंने बता दिया था क्योंकि मेरे पेट में पचता ही नहीं है. मैंने सबको बता दिया कि मैं आ रही हूँ. एंड देन हम लोग गए. तो मैं 26 जून को मैं लैंड हुई थी. एंड देन वहाँ से दिल्ली वाले एयरपोर्ट से सीधा मेरी नानी का घर है द्वारका में. हम सीधा नानी के घर चले गए, नानी को सरप्राइज दिया. मतलब नानी वगैरह को नहीं पता था, मेरी फैमिली को सबको पता था और बाकी किसी रिश्तेदारों भाई मेरा सह और शह, बाकी किसी रिश्तेदारों को नहीं पता था. नानी के घर गए, नानी को सरप्राइज दिया. बट वही होता है ना कि तुम 1 महीने के लिए आए हो. अब तो मैं मेरा मेन पर्पज था कि मैं घूमने जा रही हूँ भाई. मैं 12th के बाद कनाडा आ गई थी तो मैंने इंडिया एक्सप्लोर ही नहीं किया है. 12th में क्या होता है भाई, तुम स्कूल जा रहे हो, कॉलेज स्कूल जा रहे हो, वापस आ रहे हो, बस ट्यूशन अगर था तो था, नहीं था तो फिर भी तुम कहाँ इतना घूमते हो. तो मेरा मेन पर्पज था मैं घूमने जा रही हूँ. तो फिर मैंने अपने रिलेटिव्स को भी बोला था कि ओ मेरी फ्रेंड की किसी की शादी है तो उसकी शादी के लिए आई हूँ मैं, ये वो. और फिर उसके बाद ठीक है केदारनाथ का, तो वहाँ से बताती हूँ, बहुत सारा फालतू बता दूँ.
केदारनाथ की स्टोरी ऐसे शुरू होती है. तो मैंने लिस्ट विस्ट बना रखी थी कि कैसे कैसे वो करना है. हाँ, तो पहले ना सिर्फ मेरा संस्कृति का जाने का प्लान था, लेकिन फिर उसके बाद दो दोस्त और ऐड हो गए थे. तो एक तो बाद में मतलब ये हुआ कि मतलब उसके पास गाड़ी है, मेरे एक दोस्त के पास, तो फिर हम सारे ऐसे साथ में जाएंगे. और फिर हम गाड़ी से गए वहां जाके, तो ऐसे यहाँ से निकले हैं. तो 29th को हम निकले हैं, ठीक है, 1 बजे के करीब ऐसे तैयार वैयार होके गाड़ी से गए हैं. एंड वहाँ क्या कहते हैं, हम ऋषिकेश वगैरह पार करके ऊपर आगे पता नहीं यार कौन सी जगह थी, वो जगह का नाम नहीं पता मुझे, बट हम वहाँ निकल गए. तो क्या हुआ, 11 बज गए थे या 10:30 कुछ रात के हो रहे थे. तो वहां पे ना नाकाबंदी थी कि अब तुम जिस रोड से हमें जाना है ना आगे, वहां पे मतलब कि रात को ऐसे एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ होगा तो पुलिस वाले जाने ही नहीं दे रहे थे, कहते तुम यही होटल ले लो और तुम आगे तो तुम्हें सुबह 4 बजे के बाद ही जाने को मिलेगा. तो हमने वहां पे एक होटल लिया, जगह मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रही, ऋषिकेश वगैरह तो पार कर लिया था, 6 घंटे पार हो चुका था, ठीक है. वहां पे होटल लिया हमने, ये बिना देखे ले लिया कि एसी है या नहीं है. रात को हम सो ही नहीं पा रहे गर्मी के मारे. हमने क्या किया, तो ऐसे था रूम था एंड रूम के बाहर ना ऐसे बालकनी सा था. तो बालकनी में हमने सोचा, बालकनी में जब बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, सब पसीने में, पहले तो हम ना ये बताती हूँ, पहले तो ना हम रूम में सो रहे हैं कि ठीक है गर्मी वर्मी क्या है, एकदम सो जाते सुबह जल्दी उठना है. तो मैं तो भाई सो रही थी और बाहर से आवाज आती है छन 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 छन, मैं कह रही मनीष संस्कृति यार उल्टो बाहर से अजीब अजीब आवाजें आ रही है. तो मैं उनको उठाती हूँ. तो अब उन दोनों को पता है कि बाहर कोई कपड़े धो रहे हैं. भाई मेरी तो बहुत फटती है भूत भूत से, ठीक है. मैं तो कह रही हूँ भाई बाहर से आवाजें आ रही है कुछ देखो. हमने गेट खोला, एक आंटी रात के 2 बजे कपड़े धो रही है भाई. ओ भाई, और इतना तेज तेज चिल्ला रही है, उसकी पायलों की आवाज आ रही है ना तेज तेज, मतलब कोई रात को 2 बजे कौन ही कपड़े धोता है. फिर हमने क्या किया, अब किसी को, अब सबकी नींद तो उठ चुकी है, वो दो तो सोए नहीं थे संस्कृति और मनीष, क्योंकि भाई गर्मी के मारे उन्हें नींद नहीं आ रही थी, मैं थोड़ा थोड़ा सोई थी. उसके बाद बाहर जाके हमने जो अंदर से गद्दे थे वो बाहर बिछा लिए. बाहर बिछाने के बाद थोड़ा थोड़ा मैं फिर से सो गई हूँ. मेरे को ऐसा होता है मेरे को शोर गर्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नींद आ रही है, तो मुझे नींद आ रही है तो मैं फिर से सो गई हूँ. वो दोनों ऐसे मंडरा रहे हैं इधर उधर गर्मी के मारे. वो आंटी फिर आके अपने कपड़े, बारिश आ गई है तो आंटी, अब उस आंटी को अपने कपड़े उतारने हैं. भाई उस आंटी ने इतना परेशान किया है. फिर हम उठ ही गए कि मतलब अब भाई अब क्या ही सोए. फिर भूख लग रही है, हम इधर उधर रोड पे घूम रहे, कुछ भी खुला नहीं है खाने पीने का. फिर हमने सोचा अब हम, टाइम तो हो ही गया है, अब ब्रश वगैरह नहाना धोना वगैरह सब कुछ हम दूसरे होटल में जाके करेंगे. तो हम गए और अब पूरी रात सोए नहीं है तो अब हम चढ़ाई भी नहीं शुरू कर सकते. हमने सोचा आज के दिन रेस्ट करेंगे. तो हम आगे जाके, एक होटल का नाम मेरे को याद है, जगह मेरे को याद नहीं, मोनिका होटल, और बहुत अच्छा सा होटल था यार. एक तो बार बार ना इसका स्टोरेज फुल हो रहा है, मैं इतना कुछ डिलीट कर चुकी हूँ, बट फिर भी हाँ ये मेरा पुचकू है. तो फिर हाँ हम वहाँ पे पहुँच गए मोनिका होटल. वहाँ जाने के बाद हमने एक दिन रेस्ट किया वहीं पे. हमारे होटल का व्यू बहुत अच्छा था, ऐसे पहाड़ नीचे रिवर जा रही थी. तो हमने दिन में रेस्ट किया, ऐसे सोए बहुत अच्छे से आराम से, खाना पीना खाया वहाँ. उस होटल का खाना भी एक नंबर था. फिर रात को हम रिवर वगैरह देखने चले गए, रिवर के उधर बैठे, रील्स वील्स बनाए बहुत ज्यादा. फिर अगले दिन हम सुबह निकलते हैं. अगले दिन सुबह निकलने के बाद सोनप्रयाग पहुंचे. सोनप्रयाग पे जहां तुम्हें गाड़ी पार्क करनी होती है, गाड़ी पार्क की हमने, देन वहां से एक टैक्सी जाती है 10 मिनट दूर जहां से तुम्हें ट्रैक शुरू करना होता है. तो उस टैक्सी में बैठ के हम लोग गए. हमने वो जो डंडे वगैरह होते हैं जो जिससे सपोर्ट मिलता है वो सब खरीदा मार्केट से. एंड देन हमारा कुछ चेक नहीं हुआ था, सिर्फ हमारा आधार कार्ड चेक हुआ था. वो भी अगर तुम इफ़ यू कैरी इट इन योर फोन इट्स ओके. देर हाँ, इतना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह हुआ नहीं. जो हमारा रजिस्ट्रेशन था बस वो भी आधार कार्ड से चेक हो गया था, या फिर पता नहीं रजिस्ट्रेशन चेक हुआ था या आधार कार्ड चेक हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर. तो जो भी था, खैर आधार कार्ड से भी तो रजिस्ट्रेशन ही चेक हुआ होगा. एनीवेज गाइस, तो वो चेक होने के बाद फिर हम जहां से ट्रैक शुरू होना था हमने ट्रैक शुरू किया. विद इन 2 किलोमीटर्स हमारी बैंड बच चुकी थी, ऐसे सांस फूल रही थी. ट्रैक इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है. और यहाँ पे तो कनाडा में कितनी पैदल चलने की आदत होती है, दैट्स व्हाई आई फील लाइक कि मतलब मैं कर पाई हूँ. वरना जितना इंडिया में कितना लिबर्टी है कि तुम पैदल वैदल चलने को, इतना होता ही नहीं है. अगर वैसे मैं रह रही होती और फिर मेरे को ट्रैक करने को बोल दिया जाता, भाई आई वुड हैव डाइड. हमें 10 घंटे लगे ट्रैक करने में, बीच बीच में से रेस्ट ली हमने 15, क्योंकि तो एक वो होता है जो कभी केदारनाथ गए नहीं उनको मैं बता देती हूँ, तुम बीच में रुक नहीं सकते, तुम रेस्ट कर सकते हो बट देर आर नो होटेल्स कि तुम बीच में आज रेस्ट ले लो
और ये बात मुझे और संस्कृति को नहीं पता थी और हम प्लान करके चल रहे थे हाँ आराम आराम से बीच बीच में रुक रुक के थोड़ा थोड़ा करके होटल्स में रुक रुक के ऊपर जाएंगे। ओ भाई अगर हम दोनों अकेले गए होते हम पागल हो जाते, हम गिव अप करके वापस आ जाते। तो थैंक गॉड हमारे साथ दो और दोस्त थे। हाँ तो हमने लगातार 10 घंटे का ट्रैक किया, हम ऊपर पहुंचे हैं। तो ना उसी दिन ना मंडे था, तो हमारा जो एक दोस्त था शिवम वो बोले जा रहा था कि यार अब इतना पहुंच गए हैं, मतलब 2-3 किलोमीटर पहले मंदिर से तो मैं होटल्स वगैरह टेंट्स वगैरह मिलने शुरू हो जाते हैं। सो संस्कृति एंड जो एक और दोस्त था वो लोग इतना ज्यादा परेशान थे, और मतलब सभी इतना ज्यादा परेशान थे। हम सोच रहे थे कि ना हम नीचे ही ऐसे थोड़ा सा होटल ले लेते हैं, बाकी सुबह जाएंगे नहा धो के एंड देन ऊपर जाके दर्शन करके आ जाएंगे। बट हुआ यूं कि शिवम बोले जा रहा था वो आज मंडे है, मैं तो आज ही मंदिर के तो एक बार दर्शन माथा तो टेक के आऊंगा मैं ये वो। फिर मुझे भी रियलाइज हुआ, तो मैंने जो 16 मंडेज के जो फास्ट किए थे उसका मेरे पूरे हुए थे एंड देन एक मंडे का गैप आया था जिसमें आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम हेयर टू इंडिया एंड देन द नेक्स्ट मंडे जो था एक तरह से 18th मंडे मान लो वहां पे मेरे दर्शन हुए। आई वॉज फीलिंग सो ग्रेटफुल कि मतलब ये कोइंसिडेंस, और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मतलब मेरी फ्रेंड बोलती संस्कृति कि यार हर्षिता तेरे अभी अभी 16 सोमवार के व्रत पूरे हुए हैं और तू सीधा केदारनाथ जा रही है। भाई दिल को इतना मेरे को खुशी हो रही थी ना, और फिर वो भी नहीं पता था कि मुझे उस दिन हमने मंडे को ही चढ़ाई शुरू की और हम मंडे को ऊपर पहुंच रहे हैं। वो भी वो इतना ज्यादा थके हुए थे, शिवम उस चीज पे एम्फसाइज किया जा रहा था कि वो आज मंडे, और मैं उस चीज पे ध्यान ही नहीं देती थी ऊपर जाने के बाद कह रही ओ शिवम तू जब से ये कह रहा है कि आज मंडे है। फिर हम ऊपर गए रात के 10:30 हो रहे थे और भाई हमारी हालत ऐसी हो रही थी आंखों से आंसू और पैर ऐसे कांप रहे, हम खड़े नहीं हो पा रहे। तो नीचे तो अब तुम इतना चल के जा रहे हो कि तुम्हें पसीने पसीने आ रहे हैं, ऊपर जाके ठंड इतनी ज्यादा हो गई है, 8-7 डिग्री टेम्परेचर था। और मैंने सबसे बड़ी गलती ये की मैंने ये सोची नहीं कि मेरा बैग वाटरप्रूफ नहीं है, मैंने सोचा कि मेरा बैग वाटरप्रूफ है अंदर तो पानी जाएगा नहीं, तो मैंने रेनकोट अपने ऊपर पहन लिया एंड उसके ऊपर बैग ले लिया। ऊपर जाके मैंने देखा, हमने टेंट लिए थे, ऊपर जाके मैंने देखा मेरे अंदर जैकेट्स वैकेट सब गीले और भाई ठंड में मर रही हूं मैं। फिर मेरे पास एक शॉल था, मैंने वो ओढ़ा। वहां मंदिर के उधर हम थोड़ा सा बैठे और मंदिर उस टाइम बंद हो जाता है, ठीक है। तो हाय गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे, आई एम कंप्लीटिंग द स्टोरी राइट नाउ। सो हाँ, हम ऊपर गए, हमने मंदिर पे मत्था टेका एंड देन ना वहां पे क्या कहते हैं सब लोग मतलब बिजी हो गए थे कि सब वीडियो कॉल करके घर वालों को दिखा रहे कि ऐसा दिखता है मंदिर ये वो। तो मनीष उधर चला गया था, शिवम उधर चला गया था, मैं और संस्कृति खड़े थे। तो संस्कृति ने और सिर्फ मैं अकेली थी क्योंकि मैंने ना यहाँ से जाने के बाद कैनेडा वाला नंबर चेंज करके इंडिया वाला यूज ही नहीं किया। मैंने सोचा कि बस वाईफाई से, घर पे वाईफाई था, मैंने सोचा जहां भी जाऊंगी दोस्तों के फोन से कनेक्ट कर लूंगी हॉटस्पॉट से, और मैंने नंबर लिया ही नहीं। और वहां जाके मेरे को इतनी दिक्कत हो रही थी कि अगर मैं खो भी जाऊं आई कैन नॉट कॉल एनी वन, और आए मैसेजेस इतने गंदे होते हैं मैं क्या बताऊं, वो कभी पहुंच जाते हैं बिना नेटवर्क के, कभी नहीं पहुंचते हैं, बहुत ही गंदे आए मैसेज होते हैं। हाँ तो उसके बाद ना सब इधर उधर चले गए। मेरे पास वीडियो कॉल मैंने एक बार किया और फिर ऐसे नेटवर्क बहुत गंदा था मेरा भी मम्मी का भी, उनको मैंने खैर मंदिर दिखा दिया था मम्मी को और भाई को, पापा उस टाइम घर पे नहीं थे। एंड देन उसके बाद फिर पैर ऐसे कांप रहे थे कि तुम इतना चढ़ाई करके आयो, 10 घंटे लगा के आयो, 10.5 घंटे पैर तुम खड़े ही नहीं हो पा रहे थे, ऊपर से ठंड इतनी। तो मेरी ना आंखें ऐसे अजीब सी हो रही थी कि बस अब मैं रोऊंगी दर्द के मारे। तो एक बंदा आके कहता मैम रूम चाहिए, मैंने कहा नहीं अभी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे इधर उधर चले गए थे वरना हम रूम ही देख रहे थे वैसे तो। तो उसके बाद वो बंदा कहता आप रो क्यों रहे हो, कि रो नहीं रही हूँ भाई मेरे पैर इतने गंदे दुख रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। और वही बंदा पहली रात को वो रूम बेच रहा था, अगले दिन देखा वो बंदा पंडित बना हुआ, तो मैंने कही ओ भाई ये बंदा रूम भी बेच रहा है बंदा पंडित भी है, क्या क्या कर रहा है ये। हाँ तो उसके बाद फिर जाके हमने पहले खाना खाया, रूम हमने मतलब वैसे रूम नहीं लिया था, हमने टेंट लिया था, टेंट में हम सोए। आई एम नॉट गोना कॉल अस डम्ब बट वी आर डम्ब। मुझे कल परसों पता चला है कि द बैग्स दैट दे गेव अस दे वर नॉट ब्लैंकेट्स, दे वर स्लीपिंग बैग्स।
जो तुम्हें ठंड से बचाए. मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ स्टार गेजिंग करने गई थी. वहां पे वो लोग स्लीपिंग बैग लेके गए थे एंड दैट वॉज द सेम काइंड ऑफ ब्लैंकेट दैट वी यूज्ड ऑन दैट नाइट. हाँ तो मतलब यही कि हम पागल हैं. एनीवेज अगले दिन हम सुबह उठते हैं, इतना ठंडा पानी और जो गर्म पानी मिल रहा था पता नहीं कहाँ मिल रहा था. तो हमने ना रात को हमें पता चला कि हमने किसी से सुना कि सुबह ना 5 बजे 5:30 बजे आरती होगी. और लेकिन सबके पैर इतने दुख रहे थे तो सब लोग मना कर रहे थे कि क्या, मैंने कही क्या आरती देखनी, आराम से सोते हैं. मैंने कही भाई इतनी दूर तुम आए हो, इतनी सी चीज के लिए तुम आरती कैंसिल मत करो. मैंने सबको उठा दिया. 4:30 बजे सब उठे और ब्रश व्रश करने गए. भाई इतना ठंडा पानी कि तुम हाथ डाल रहे हो पानी में, ब्रश करने के लिए भी तुम्हारा हाथ जम जा रहा है, तुम्हारा हाथ काम ही नहीं कर रहा, इतना ठंडा पानी था. फिर उसके बाद बस हमने वो किया, हम आरती वारती देखने जा रहे थे. हाँ हमें पता चलता है कि आरती सिर्फ एक ही टाइम होती है, वो होती है शाम को 7 बजे. इतना गुस्सा आया मुझे कि हम शाम को भी लेट आए थे और क्या कहते हैं हम आरती भी नहीं देख पाए. बट देन फिर हम नहा धो के हम मंदिर में दर्शन करने गए. दर्शन करने के बाद दर्शन करने की लाइन इतनी लंबी, भाई हम 3-3.5 घंटे लाइन में खड़े हुए. दर्शन लेकिन बहुत अच्छे से हुए, थैंक गॉड बहुत अच्छे दर्शन हुए. फिर हम बाहर आए, उसके बाद हमने ट्रैक करना शुरू कर दिया था कि अब हम नीचे उतरेंगे, देन बाद की बात में देखते कि अभी घर जाएंगे या क्या करेंगे. बट हाँ फिर हम ऐसे ही तैयार वैयार होके, क्योंकि हमें 12 बजे टेंट भी खाली करना था और वी वुड हैव टू स्टे एंड पे मोर. बट हाँ फिर हम नीचे उतरने लगे. उतर गए थे हम 5-5.5 घंटे में. उतरने में ज़्यादा वो नहीं लगा क्योंकि एक तो तुम्हारे अंदर ये था बस उतरना है उतरना है उतरना है, बस एक बार उतर जाओ. और मेरे पैर में भाई मैंने सबसे बड़ी गलती किया कि मेरी सॉक्स गीली थी और मेरे शूज़ भी गीले थे. तो मैंने सोचा कि यार इतना गंदा लगेगा गीला गीला, मैंने सॉक्स नहीं पहनी और मैंने सिर्फ शूज़ पहन लिए. और भाई मेरे पैर कटने लग गए बहुत, ऐसे आधे से ज़्यादा नहीं, आधा नहीं पार हुआ था बट थोड़ा सा पार हो गया था ऐसे नीचे उतरते उतरते, और मेरे पैर कटने लगे. फिर मैंने बैठ के सॉक्स पहनी, लेकिन अब तक पैर कट चुके थे और अब कोई फ़ायदा नहीं है सॉक्स पहनने का. फिर सॉक्स पहनने के बाद से चला ही नहीं जा रहा था, ऐसे पैर में छाले छाले से हो गए थे. फिर भी मैंने सोचा जैसे, क्योंकि क्या होता है छालों में अगर तुम रुक जाओ तो तुम्हें आराम तो देंगे लेकिन जब तुम दोबारा चलना शुरू करोगे तो तुम्हें और ज्यादा दर्द होता है. तो मैंने क्या किया, अब मैं रुकूंगी नहीं भाई, अब मैं सीधा नीचे जाके रुकूंगी क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई इन छालों का. तो फिर मैं छालों के साथ साथ भाई ऐसे भागी हूँ ना कि सबसे पहले मैं ही उतरूंगी, तुम लोग आते रहना आराम से. बीच बीच में मैं ब्रेक भी ले रही थी कि मतलब मैं कहीं गुम हो जाऊँ, ना मेरे पास फोन है ना मेरे पास नेटवर्क है, मैं क्या ही करूंगी, कोई मेरे को कैसे ही कॉन्टेक्ट करेगा. सॉरी कॉफी ब्रेक. हाँ तो फिर हम नीचे उतरे एंड देन रात को फिर नीचे उतरने के बाद हमने सोचा कि हम अगले दिन ऋषिकेश की आरती देखेंगे. लेकिन जिस दिन, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस दिन हमने 29 जुलाई को हमने जब जाना था कि हम केदारनाथ जा रहे हैं, उसी दिन बाढ़ आई थी हरिद्वार में. और हम मतलब 4 घंटे ऊपर पहुंच चुके थे एंड देन नीचे बाढ़ आई थी. हमें ऊपर जाके पता चला, सब मेरे मम्मी पापा सब हमें वीडियोस भेज रहे, और नेटवर्क था नहीं उस टाइम, पता नहीं क्या था, और वो लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे हमें. और अगले दिन हम सुबह सो के उठे, इतने सारे कॉल्स इतने सारे मैसेजेस कि तुम ठीक हो ना, ये है वो है, बाढ़ आई हुई है ये वो. हमने कही नहीं हम ठीक है, हम बहुत ऊपर पहुंच गए. फिर आते टाइम हम ट्रैक करके जब हम नीचे आ रहे थे, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट. जब हम नीचे उतर गए तो हमने फिर वही मोनिका होटल में हम गए रात को. वहाँ पे हमने रात काटी कि मतलब अब भाई कोई फ़ायदा नहीं है. लेकिन फिर हमने सोचा था अगले दिन हम सुबह सुबह जल्दी जल्दी जाएंगे और ऋषिकेश की आरती देख के फिर घर जाएंगे, ठीक है. बंजी जंपिंग वगैरह ये सब करने का मेरा बहुत मन था, लेकिन हमारे एक दोस्त को बहुत जल्दी थी घर आने की. तो फिर क्या कहते हैं, ऋषिकेश की आरती देख नहीं पाए क्योंकि इतना सारा लैंडस्लाइड हो रहा था. और एक नहीं कि एक ही लैंडस्लाइड हो रहा, और रास्ते में जब हम मैं बता रही हूँ ना कि सोनप्रयाग के उधर से हम नीचे की साइड आ रहे थे, भाई इतने सारे लैंडस्लाइड्स हमने देखे जिसकी कोई हद नहीं है. और एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि हमने ना से गाड़ी इधर लाके खड़ी की है इधर लाके, एंड देन इधर लैंडस्लाइड हो रहा है, लेकिन वो एकदम थोड़ा थोड़ा इतने इतने मलबे से गिर रहे हैं. तो इतना डर लग रहा था कि जैसे ही मतलब कुछ बड़ा सा हम उसको देखे जा रहे हैं, क्योंकि आगे भी ट्रैफिक है, आगे भी लैंडस्लाइड हो रहा है, पीछे भी ट्रैफिक है, हम कहीं नहीं जा सकते. लेकिन थोड़ा सा स्पेस था तो हम उसको ऐसे बैठ के देख रहे हैं
कि अगर हमें फील हुआ कि कुछ बड़ा आ रहा है तो हम गाड़ी भगाएंगे। एकदम से थोड़ा सा बड़े से पत्थर आने लगे, हमने कहा भाई यहाँ से भगा लो, यहाँ से भगा लो, थोड़ा सा आगे कर लो। आगे इतने बड़े बड़े पत्थर, इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि इतने पास से हम मौत देख रहे हैं भाई, कि अगर अभी यहाँ से भी पत्थर गिरने लग जाए ना, हम खत्म है। इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पत्थर ऐसे सामने से गिरते हुए देखे हमने। फिर उसके बाद हमने सोचा भाई हम कहीं नहीं रुकेंगे, क्योंकि इतने सारी जगह पे वो लैंडस्लाइड हो रहा था। हम थोड़ा सा रास्ता पार करते 2-3 किलोमीटर फिर से लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा था। तो हमने सोचा बस किसी तरह घर पहुंच जाए। मैं ऐसे पीछे हाथ जोड़ के बैठी थी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इतने अच्छे दर्शन कराए। बट वो कहते हैं ना, जिसकी आनी होती है, जहाँ वो आके रहेगी, तुम कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ के लिए। सो या फिर हम घर आ गए, दैट्स ऑल। उसके बाद फिर मैं मम्मी को और भाई को लेके गोवा गई थी। उसकी मैं अलग स्टोरी बताऊंगी, उसमें भी हमारा बहुत पंगा हुआ था। पता नहीं मैंने वो बता दिया है पिछले वाले व्लॉग में या नहीं। वो मैंने बताया था कि ये सब हुआ था कि ट्रेन टिकट्स बुक कंफर्मेशन नहीं हुई थी। हाँ बट ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द केदारनाथ। एंड मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ ना, तो ये वॉइस ओवर रहेगा, इसके ऊपर क्लिप्स लगाऊंगी मैं, फोटोज वोटोज सब कुछ, मैं सब कुछ दिखाने वाली हूँ तुम्हें। बेशक बेशक वीडियोज ऐसे हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, वर्टिकल किसे कहते हैं, आई डोंट नो, यू कैन कॉल मी डम, बट हाँ सारी फोटोज वीडियोज में लगाऊंगी इस पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर दिस व्लॉग। आई लव यू गाइज सो मच। आई हैव 608 सब्सक्राइबर्स राइट नाउ। आई वॉन्ट टू गो टू 1000। प्लीज 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 सब्सक्राइब इफ यू आर वॉचिंग इट। अभी मैं फुल अपना व्लॉग्स वाले मूड में हूँ, मैं अपना सोशल मीडिया ग्रो करने के मूड में हूँ। तो आई एम गोना पोस्ट सो मच। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो कि भाई मेरे को ये वाला ख़त्म करना है, ये वाला ख़त्म करना है, उसके बाद ही मैं कुछ डालूंगी। क्योंकि अभी मैं कैनेडा वापस आ गई हूँ, इसके बाद भी मैंने बहुत सारा कंटेंट शूट किया है, वो मेरे को सब एडिट करना है। बट या सो मच मोर कमिंग। एंड मेरे वीडियोज़ कैसे होते कि आई फील लाइक आई एम जस्ट फेस टाइमिंग माई बेस्ट फ्रेंड्स। दैट्स माई गोल। मेरे को वीडियोज देखना भी वही पसंद है। मैं कुछ क्रिएटिव नहीं ला सकती हूँ कि ओ इट्स गोना बी फन। जिसको मेरी बातें सुनना पसंद है, यू गाइज कैन वॉच मी, लिसन टू मी एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।